साउंड माइंड रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आज हम इसी स्वास्थ्य के विषय को के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या फिलॉसफी है। स्वास्थ्य उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य होने पर व्यक्ति परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है। चिंताओं तथा सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तनावों से मुक्ति अच्छे स्वास्थ्य से ही संभव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। अब हम देखते हैं स्वास्थ्य की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। सामान्य अर्थ में स्वास्थ्य शरीर के सभी अंगों तथा तंत्रों के ठीक से कार्य करने की स्थिति है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जिन्होंने ये बताया कि स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें संपूर्ण भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता पाई जाती है। केवल बीमारियों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ न केवल स्वास्थ्य की रक्षा ही है वरन स्वास्थ्य की उन्नति तथा सुधार के लिए प्रयत्न करना भी इसके अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य वंशानुगत या वातावरणीय दशाओं में मानवीय अंगों का सुचारू रूप से कार्य करने की स्थिति या गुणवत्ता है, यह इसका विस्तृत अर्थ है। परंतु संकीर्ण अर्थ में स्वास्थ्य का अर्थ व्यक्ति में किसी रोग का न पाया जाना है। अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। वेबस्टर जो कि बहुत प्रसिद्ध शिक्षाविद रहे हुए हैं, उनके अनुसार स्वास्थ्य शरीर, मन या आत्मा तथा निरोगता की अवस्था है। ऑक्सफर्ड शब्दकोश के अनुसार स्वास्थ्य शरीर व मस्तिष्क की वह स्थिति है जिसमें इनका कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न होता है। पार्किंस के कथनानुसार स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें शरीर का सापेक्षिक संतुलन रहता है, रिलेटिव बैलेंस रहता है शरीर का, तथा शरीर विभिन्न असंतुलित बनाने वाले दबावों के साथ सफलतापूर्वक सक्रिय समायोजन करता रहता है। यानी जो भी स्ट्रेस हमें बाहर से मिलते हैं उसके साथ शरीर सफलतापूर्वक एक्टिवली एडजस्ट करता रहता है। यह निष्क्रिय अंतर्संबंध न होकर समायोजन हेतु शरीर द्वारा अभिव्यक्त सक्रिय प्रतिक्रिया है। पर्किंस के अनुसार कि यह शरीर की एक एक्टिव रिस्पॉन्स है किसी भी भारी दबाव, जो बाहर से दबाव आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, उसके प्रति, ना कि निष्क्रिय अंतर्संबंध है। अब हम देखते हैं स्वास्थ्य के नव विचार, जिसे न्यू फिलॉसफी ऑफ हेल्थ भी बोला गया है, कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य एक मौलिक मानवीय अधिकार है। स्वास्थ्य विकास का संपूर्ण अंग है। स्वास्थ्य विश्वव्यापी सामाजिक उद्देश्य है। स्वास्थ्य और इसका रखरखाव एक विशाल सामाजिक विनियोजन है। स्वास्थ्य का संबंध आत्मबोध, आपसी संबंध एवं समाज को योगदान देने की आकांक्षा से है। स्वास्थ्य एक व्यक्तिगत, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। स्वास्थ्य जीवन की वह गुणवत्ता है जो जीने में सहायता करता है और सहयोगियों की संपूर्ण क्षमता के साथ सेवा करने में सहायक है। इसी के साथ आज का टॉपिक जो स्वास्थ्य है, जिसमें बताया गया है कि यह एक मानवीय अधिकार है, एक एक सामाजिक विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट है और एक व्यक्तिगत सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। आशा करती हूँ आप अपने इस मानवीय अधिकार, सामाजिक विनियोजन और एक उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक वहन करेंगे तथा अपने स्वास्थ्य की उन्नति को और सुधार के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद।